रेप के मामले में हम नंबर एक पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है। रेप के मामले में हम नंबर वन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान तो वैसे भी मर्दों का प्रदेश है, इसका क्या करें। जी हाँ, ये बयान दिया है राजस्थान विधानसभा में शांति धारीवाल ने। रेप पर घटिया बयान देने वाले नेताओं की सूची में अब इनका भी नाम आ गया है। शांति धारीवाल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनका ये बेहुदा बयान जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर उनकी थू थू होने लगी। पहले सुनिए शांति धारीवाल ने विधानसभा में क्या कहा। रेप के मामले लीजिए आप, रेप विद मर्डर, दो तरह के रेप अलग और रेप विद मर्डर अलग। रेप विद मर्डर के हैं 11वीं पोजीशन पर राजस्थान, जबकि नंबर एक पे कौन है? उत्तर प्रदेश। नंबर दो पर मध्य प्रदेश, नंबर तीन पे आसाम, नंबर चार पे महाराष्ट्र, नंबर पांच पे उड़ीसा, नंबर छह पे तेलंगाना, सात पे झारखंड, आठ पे वेस्ट बंगाल। और रेप के मामले में हम नंबर एक पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। ये हैरानी की एक और बात ये है कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रेप पर इस तरीके का बयान देते हैं और उसके बाद सदन में मौजूद विधायक हंसने लगते हैं। किसी ने उन्हें टोकना जरूरी नहीं समझा। शांति धारीवाल के इस बयान के बाद से कांग्रेस का घिरना तय हो गया। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने मंत्री के बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को टैग करते हुए लिखा, सदन में प्रदेश में बलात्कार में एक नंबर पर होने की निर्लज्ज स्वीकारोक्ति और मर्दों की आड़ में नारी के प्रति स्तरहीन बयान न केवल प्रदेश की महिलाओं का अपमान है बल्कि पुरुषों की गरिमा को भी गिराया है। @ प्रियंका गांधी जी, अब क्या कहेंगी, क्या करेंगी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर धारीवाल कुछ ऐसे ट्रोल हुए कि लोगों ने उन्हें घटिया इंसान तक बता दिया। शांति धारीवाल के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस गहलोत सरकार और प्रियंका गांधी पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि बुद्धिजीवी मंत्री को कान पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। हालांकि रेप पर मंत्रियों, नेताओं और दिग्गजों का इस तरीके का बयान कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के विधायक रमेश कुमार ने कर्नाटक विधानसभा में रेप पर ही अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से वो काफी ट्रोल हुए थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा सूबा सुना रहा है अपना फैसला। 10 मार्च को दिन भर जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।